बच्चे माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा टीचर से प्यार करते हैं। ये पूरे चंपारण में पहला मैं व्यक्ति हूँ जो NTSC और प्री नीट प्री IIT ओलंपियाड जैसे टॉपिक्स को मैं पढ़ाता हूँ। उसके कैसे हैं आप लोग, मैं हूँ केशव और आज का ब्लॉग सारे ब्लॉग से हट के होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बिटिया के नंबर वन कोचिंग जिसका नाम है एडुकेयर। आज उनका जो उस कोचिंग के डायरेक्टर है उनका इंटरव्यू भी हम लेने वाले हैं खुद अपने से। और एक बात आपको बताता हूँ, उस कोचिंग के मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ पहले, तो आज मौका मिला है सर का इंटरव्यू लेने का, तो उनका इंटरव्यू मैं लूँगा और आप लोग के सामने सारा चीज़ लाइव होगा। और सबसे नंबर वन कोचिंग है बेटी का, तो आप लोग वहाँ पे जाएं स्टडी करें और इसका गारंटी मैं देता हूँ खुद, क्योंकि मैं उससे खुद पास आउट हूँ। काफ़ी अच्छा टीचर भी काफ़ी अच्छे हैं और फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा कोचिंग है। तो आप लोग जाइए वहाँ विजिट करिए, सर से मिलिए, सारा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। और काफ़ी अच्छा है, गर्मी भी बहुत इसीलिए पसीना आ रहा होगा फेस पेज पे, मतलब ध्यान नहीं देना है आपको, बस मेरे बात पर ध्यान देना है। तो काफ़ी अच्छा कोचिंग है, वहाँ से मैं खुद पास आउट हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और काफ़ी अच्छे सर है जिनका नाम है मनु सर, हालांकि उनका नाम जो है आर श्रीवास्तव है, लेकिन वो मनु सर के नाम से पूरे बेतिया में प्रचलित है और वो फिजिक्स के टीचर और मैथ के, और काफ़ी अच्छा कोचिंग है। आप लोग वहाँ पे जाइए और विजिट करिए, मनु सर से भी बात करिए। और आज मैं खुद उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं उनका इंटरव्यू लेने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरे खुद गुरु हैं एक, और एक मतलब गुरु के सामने एक चेला बैठ के उनसे इंटरव्यू लेगा, इसका खुशी मेरे पास बहुत है। और चलते हैं और आपको लाइव क्लास भी दिखाएंगे वहाँ पे, मतलब कैसे क्लास चलता है, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, सारा चीज़ आपको दिखाएंगे वीडियो में, वो भी लाइव में दिखाएंगे आपको कैसे बच्चे पढ़ते हैं, डिसिप्लिन कैसा है वहाँ का, सारा चीज़ दिखाएंगे A to Z। अभी मेरे सामने एडुकेयर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जिनका नाम है मनु सर, वो मेरे सामने भी बैठे हुए हैं और आज इनसे रूबरू होने का मौका मिला है। तो आज इनसे प्यारे प्यारे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में जानेंगे कि ये अपने बच्चों में कैसे डिसिप्लिन लाते हैं और किस स्तर से ये पढ़ाते हैं ताकि इनके बच्चे काफी आगे तक जाते हैं और काफी नाम कमाते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे इंटरव्यू में। थैंक यू, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, अब आपका जो क्वेश्चन होगा मैं उसका आंसर जरूर दूंगा और आपको मैं सेटिस्फाई करके ही भेजूंगा। थैंक यू सर। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सर आप अपने बच्चों में डिसिप्लिन कैसे लाते हैं? देखिए, डिसिप्लिन बच्चे आपसे प्यार करने लगते हैं और डिसिप्लिन में अपने आप आ जाते हैं। तो सबसे अच्छी चीज है कि बच्चों को पूरा दिल से पढ़ाओ, पूरा ध्यान लगा करके पढ़ाओ, बच्चों को ये फील कराओ कि आप उन्हीं के लिए आए हो, उन्हीं को अच्छा बनाने के लिए आए हो। जब बच्चे ये बात जान जाएंगे तो वो बढ़िया से पढ़ेंगे और आपके इशारों पे चलेंगे। सर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब आप अपने बच्चे के अंदर मतलब क्या ऐसा कि मतलब क्या ऐसा चीज डालते हैं कि वो बच्चे मतलब आगे जाके बहुत ही नाम कमाते हैं, जो कि मैंने खुद देखा है और रियलाइज भी किया। देखिए, मुझे पढ़ाते हुए 12 ईयर्स हो गए और 12 ईयर के एक्सपीरियंस में मैं खुद अनुभव किया हूं कि बच्चों को कहां प्रॉब्लम होंगे, जहां बच्चों को प्रॉब्लम महसूस होगा उन बातों को मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूं। इससे बच्चे जो है उनको प्रॉब्लम फील नहीं होता है, एग्जामिनेशन में वो बहुत बढ़िया से एग्जाम दे करके आते हैं, मेहनत बहुत बढ़िया से करते हैं और उनको टाइम का महत्व समझाया जाता है क्लासेस में। बीच बीच में मेरे द्वारा मोटिवेशन के भी स्पीच मिलेंगे बच्चों को क्लासेस में और बच्चे है समझ जाते हैं कि हमारे सर क्या चाहते हैं उनसे। वही सिंपल सा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही बताऊंगा कि बच्चे हैं समझ जाते हैं टीचर्स को, सर टीचर क्या चाहते हैं। सर एक और क्वेश्चन है आपसे मेरा, कि क्वेश्चन ये है कि सर आप बच्चे को मतलब
अपने मतलब अपने करीब कैसे लाते हैं, जबकि मैंने खुद देखा है, मैंने रियलाइज भी किया है कि बच्चे जब आपके करीब आते हैं तो कुछ ज्यादा ही मतलब आपको प्यार देते हैं और कुछ ज्यादा ही उनके माइंड में ये बैठता है। और मैंने खुद देखा है मतलब कुछ बच्चे को जो कि आपके एक समझाने के चलते मतलब वो काफी आगे तक गए हैं और काफी अच्छा भी कर रहे हैं। बच्चे माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा टीचर से प्यार करते हैं, और वो एक बार टीचर को पसंद कर लिए तो उनके बारे में बुराई भी नहीं सुनना चाहते। तो पहली बात है कि बच्चों को कैसे पढ़ाओ। बच्चों को आप इतना ईज कर दो, टॉपिक को इतना आसान कर दो कि उसे समझ में आए। दूसरी चीज है कि बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि उसे घर पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे पढ़ ले और घर पे जाकर के आंसर बोले। बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि वो खुद पढ़ाने के लायक बन जाए। और इन सब चीजों को हम लोग प्रयास करते हैं और उसमें कुछ कुछ नया नया, जैसे कि हम बोल सकते हैं उसमें मिर्च मसाला डालकर टेस्टी बनाते हैं। तो पढ़ाई को जब हम टेस्टी बनाएंगे तो बच्चे उसे अच्छा से चखेंगे, और जब अच्छा से चखेंगे तो उनके अंदर ये पढ़ाई चली जाएगी, और ये पढ़ाई जब अंदर चली जाएगी तो वो अच्छा हो ही जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि मतलब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ यह पढ़ाई होता है ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके और कैप्चर कर सके। क्या देखिए, इंटरटेन तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बस ये बोलूंगा कि बच्चे अगर मेरे 3 घंटा के क्लास में भी बैठ जाए तो उन्हें थोड़ा सा भी ये फील नहीं होगा कि 3 घंटा कैसे कट गया। तो ये एक चीज है कि हम लोग को 12 साल से पढ़ाते हुए ये मतलब एक अनुभव है मेरा कि 12 साल मैंने जो बच्चों के बीच में बिताया है, तो मुझे पता है कि कितने देर के बाद बच्चों से कौन से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि उनका जो एनर्जी है वो बैलेंस रहेगा, कि वो फर्स्ट आवर में जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही वो लास्ट आवर में भी पढ़ रहे हैं। सर एक और क्वेश्चन है मेरा कि आप मतलब किस तरीके से पढ़ाते हैं कि वो बच्चे बोर नहीं होते, क्योंकि मैंने देखा है कि 4-4 घंटा का क्लास चलता है वो भी फिजिक्स का, फिर भी बच्चे नीचे उतरते हैं तो बोलते हैं ये काफी अच्छा क्लास था, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, फिजिक्स तो हमारी नेचर से जुड़ी हुई सब्जेक्ट है, और बच्चों को प्रैक्टिकली ये फील करा दिया जाता है कि ये फिजिक्स है, ऐसा आप पढ़ोगे। और मैं बोलूं कि अगर मैं फिजिक्स पढ़ा ही रहा हूं तो मैं केवल आकर के थ्योरीज और न्यूमेरिकल्स करा दूं तो क्या ये फिजिक्स है? नहीं। जैसे ही अगर मैं गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करता हूँ या वोल्ट मीटर या एमीटर एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा जो भी, तो मैं उनको बच्चों के सामने ला करके देता हूँ, उनसे प्रैक्टिकल कराता हूँ। मेरे पास प्रैक्टिकल के सभी सामान अवेलेबल हैं, तो मैं उनको उसी समय प्रैक्टिकल भी करा देता हूँ। उससे डेली लाइफ में रिलेटेड वर्किंग को भी समझाता हूँ कि तुम इस डिवाइस को देख रहे हो, इसमें से ये कनेक्टेड है, इसमें रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है, आपके एलईडी बल्ब में रेसिस्टेंस है या नहीं है, आपके कौन से डिवाइस में क्या आपके डेली लाइफ से रिलेटेड फिजिक्स चल रहा है। तो वो सब जैसे ही बच्चों को फील होता है तो वो पढ़ने में मजा आता है उनको। और दूसरी चीज ये है कि आप कहते हैं ना कि डायरेक्टली जैसे बुक्स में लिखा हुआ है वैसे पढ़ाओगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। अब उसे किया क्या जाता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना जो है अप्रोच लगाया जाता है। कब जैसे हम स्टूडेंट होते तो हम इसे कैसे समझते, तो अगर टीचर पढ़ाते समय ये फील कर ले कि जब हम स्टूडेंट होते तो हम इस बात को कैसे समझते, तो इजीली पढ़ाया जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि मतलब क्या क्या फैकल्टीज हैं मतलब इस इंस्टीट्यूट में, क्या क्या मतलब सुविधा, पहले लोग तो फैसिलिटी देखता है, मतलब आजकल लोग ज्यादा दिखावा पे जा रहा है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन किया हूं। हम दिखावा पे जीने वाले लोग नहीं है। हमारी जब इंस्टीट्यूट खुली थी तो एक छोटी सी गैरेज से खुली थी, और उस समय ही बहुत सारे बच्चे हो गए थे। मैं बस इतना जानता हूं कि 2016 में मैं जितना फी रखा था उतना आज भी है। 2016 में जितने हमारे पास फैकल्टीज थे उससे दोगुना फैकल्टीज हैं। 2016 में जो हम लोग सिस्टम लेकर के आए थे उस सिस्टम से 10 गुना ज्यादा सिस्टम है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं पैनल भी लगे हुए इंस्टीट्यूट में। हमारे टीचर्स जो है वो कोई मास्टर डिग्री से कम नहीं है, और किसी के पास 5 ईयर से कम तो एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं क्योंकि मैं 12 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, और कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जो मेरे पास मेरे यहाँ पढ़ाते हैं जो 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं। तो एक उन टीचर से पढ़ना ज्यादा जरूरी हो जाता है जिनके पास एक्सपीरियंस है। एनर्जी लेवल टीचर्स की मेंटेन होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज ये है कि मैंने ये समझा है कि हमारे जो आर्मी के बच्चे हैं, जो आर्मी दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं, देश की सेवा में जान लुटाते हैं, और उनके बच्चों को कुछ ना कुछ रिवेट दिया जाए, उनको ये फील कराया जाए कि नहीं
वी लव आर्मी, तो इसके लिए मैंने आर्मी के बच्चों के लिए 40% डिस्काउंट किया है। और कुछ बच्चे वंचित हो जाते हैं इंस्टीट्यूट से, जैसे कि वो गरीब के बच्चे हो सकते हैं, या जिनके माता पिता नहीं हो, या जिनके पिताजी नहीं हो, तो उन बच्चों को भी मैंने 40% फी में डिस्काउंट किया है। और रही बात की क्लास में पढ़ने के समय इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए मैंने क्या किया है कि मंथली टेस्ट होंगे, और मंथली टेस्ट में 1-3 रैंक जो बच्चे लाएंगे इच क्लास के, प्रत्येक क्लास के मंथली टेस्ट में जो बच्चे 1-3 रैंक लाएंगे उनको हम लोग एक रिवार्ड देते हैं, एक तरह से समझे कि स्कॉलरशिप के रूप में देते हैं, जिससे कि बच्चा जो है लाभान्वित होता है और उसको देख करके सभी बच्चे पढ़ते हैं, और जब वो बच्चे टॉपर निकलते हैं तो उनको हम लोग अचीवर में डालते हैं। तो सर अब बात आती है विषय यानी कि सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें मतलब पढ़ाई होता है और टीचर्स कौन कौन सब्जेक्ट के हैं इसमें? जैसे कि हमारे यहाँ एक तरह से बोला जाए तो सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, जैसे कि मैथमेटिक्स मैं खुद पढ़ाता हूँ और टीचर्स हैं वो भी पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, उनके मतलब अनुसार दिया गया है, क्लासेस के अनुसार टीचर्स को दिया गया है। फिर फिजिक्स की बारी आती है तो मैं हूँ, एक और सर हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारे एक प्रिय शिक्षक हैं जो विकास सर है वो पढ़ाते हैं, तो ये सब मिल करके हम लोग पढ़ाते हैं। क्या मतलब बच्चों को क्या कहना चाहते हैं अपने तरफ से? बच्चों को मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जैसे आप क्लास 10 या जब जूनियर में आप स्कूल पसंद करते हो एडमिशन के लिए, स्कूल में जाकर के आप एडमिशन कराते हो, माता पिता भी जाकर के स्कूल में एडमिशन कराते हैं खुद उंगली पकड़ के, लेकिन उस समय वो भूल जाते हैं इंस्टीट्यूट के टाइम पे। देखिए आप जब जाइए किसी इंस्टीट्यूट के पास तो वहाँ पे सबसे पहले बच्चे निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं, क्या बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, डिसिप्लिन कैसा है, उसके टीचर्स कितने अच्छे हैं, वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, किस इंस्टीट्यूट के बच्चे हर साल टॉपर्स हो रहे हैं, इन सब चीजों पे ध्यान दे करके ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं कि मैं अच्छा हूं और मेरे यहाँ एडमिशन करा ले, या बच्चों का ग्रुप किस कारण से कहीं जा रहा है, हाँ ये उस पर ध्यान ना दे, ये आप अपने बच्चों का, क्योंकि आप, मैं एक बात बोलूंगा कि अगर स्कूल से सब कुछ मिल जाता है तो फिर इंस्टीट्यूट आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि इंस्टीट्यूट में आप अपने बच्चे को इसलिए डालते हैं कि हमारा बच्चा और ज्यादा मार्क्स लाए और ज्यादा गेन करे, हाँ ग्रो करने के लिए, उसका हेल्दी डेवलपमेंट के लिए आप क्या करते हो, इंस्टीट्यूट लाते हो। तो इंस्टीट्यूट जब लाते हो तो इंस्टीट्यूट की इन चीजों पर भी ध्यान देना कि नहीं बेटा कह दिया कि सर पापा मैं इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराऊंगा, उस इंस्टीट्यूट में अच्छी पढ़ाई होती है, तो ऐसे अगर बोल देने पे तो क्या होगा कि बच्चे तो अपने आप दोस्तों के झुंड में गए हैं, लेकिन पेरेंट्स तो नहीं जान रहे हैं, पेरेंट्स बस जानते हैं कि मैं जेवीएल में पढ़ा रहा हूँ, मैं एजी चर्च में पढ़ा रहा हूँ या अन्य विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। तो सर मतलब एडमिशन के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? जैसे एडमिशन के लिए मैंने बोला कि जो हमारे 2016 में रूल्स पॉलिसीज थे उसी पॉलिसीज को लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े और कम फी में पढ़े, तो मैंने फीस इसीलिए नहीं बढ़ाया, महंगाई बहुत बढ़ी है लेकिन मैंने फीस नहीं बढ़ाया, मैंने टीचर्स बढ़ा दिया, मैंने सिस्टम को बढ़ा दिया लेकिन मैंने फी नहीं बढ़ाया। एनटीएससी का जो बैच है वो मतलब क्या है, एक बार जरा बताइए। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये पूरे चंपारण में पहला मैं व्यक्ति हूँ जो एनटीएससी और प्री नीट प्री आईआईटी ओलंपियाड जैसे टॉपिक्स को मैं पढ़ाता हूँ, उसके लिए स्पेशल बैच रखा हूँ जिसका नाम है फाउंडेशन। तो मतलब? जो बच्चे फाउंडेशन में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है मेरा, फाउंडेशंस की तैयारी यहाँ पे करें, और टीचर्स जो है वो फाउंडेशंस के लिए ही आए हैं, स्पेशली मैंने उन टीचर्स को भी बुलाया है जो बाहर रहते हैं और बाहर से आकर के यहाँ पे क्लास करके जाते हैं। अब मैं ये कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता है कि कितने मतलब ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हाँ ये बोल सकता हूँ कि हाँ आपको जो मजा एलएन के क्लासेस में आएंगे, जो मजा आकाश के क्लासेस में आएंगे, वो मजा यहाँ पे भी आएंगे, क्योंकि कुछ फैकल्टीज जो हैं उनसे रिलेटेड हैं और उनमें पढ़ाए हुए हैं। सर अगर कोई पेरेंट्स आपसे मिलना चाहता है तो वो कैसे मिलेगा या कांटेक्ट करना चाहता है? तो मिलने के लिए दिन में अभी समय है 3-4 और शाम में आप ऑफिस आवर में, तो मैं क्लासेस में रहता हूँ इसलिए शाम में 6-7 में मिल लेता हूँ पेरेंट्स से।
यही मैसेज देना चाहूंगा सर। और लास्ट में अब एग्जाम आने वाला है 10th का, तो इस पे मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को कुछ ऐसा सुझाव दे ताकि बच्चे फोकस करें एग्जाम पे। बच्चों को तो मैं, मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है और सुझाव हमेशा रहते हैं। मतलब ढेर सारे जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ते हैं वो मेरा मोबाइल रखे हुए, नंबर रखे हुए, वो हमसे मैसेज करते हैं कि हम डिप्रेशन में, एक माह बच्चा हुआ है सर, कैसा क्या करे, बड़ा नाम सुने हैं सर आपका, आप बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैसेज करते हैं। और मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं उनसे बात भी करता हूँ, उनका मैसेज का रिप्लाई भी करता हूँ। और मैं बस इतना ही बोलता हूँ कि तुमको कोई प्रॉब्लम होगा तुम मेरे से समय लो और आ करके जब मन करे तुम मेरे से सीख लेना। मतलब कि अभी जो एग्जाम आने वाले हैं बच्चों को, मतलब जो शुरू होने वाले एग्जाम बोर्ड के, मतलब उस पे आप फोकस करने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को? जैसे कि सिंपल सा है, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ो, बहुत सारे सोर्सेज हैं आपको पढ़ने के लिए, उन सभी सोर्सेज से पढ़ो, बस आप डेविएट मत हो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने का मौका ढूंढो, सुबह फ्रेश हो जाओ, सुबह टहल लो, पानी पियो, हल्का खाना खाओ, और एग्जाम भर तो आपको हल्का खाना ही खाना पड़ेगा, और उन चीजों से दूर रहो जो आपको पढ़ाई से दूर भगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, ठीक है, और जैसे बुरे मित्र, इन सब से दूर रहना ही पड़ेगा आपको एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाने के लिए। जैसा कि आपने सुना है क्या क्या करना होगा एग्जाम के लिए, तो इस पे फोकस करने पे आप आगे बढ़ भी सकते हैं और काफी आगे तक जा सकते हैं। तो सर सुनते हैं इस कोचिंग का इंस्टीट्यूट का एड्रेस। मेरा इंस्टीट्यूट कमलनाथ नगर में चलता है, जो कोचिंग कैंपस में है, और अगर आपको परेशानी होती है इंस्टीट्यूट आने में तो आप के साय के क्लिनिक के पास आए और वहां से आप किसी से पूछ ले कोचिंग कैंपस कहाँ है, कोचिंग कैंपस आपके उसके सामने ही दिखाई देगी। उस कोचिंग कैंपस में आप अंदर आकर के 20 steps लेंगे, या आप बोल दें कि 20 कदम पे हमारी इंस्टीट्यूट दिखाई देगी, जहाँ पे आकर के आप ऑफिस में मिल लेंगे, और बाकी आपकी जितनी भी मतलब इंक्वायरीज होंगे वो हमारे ऑफिस वाले लोग जो है आपको बता देंगे। तो जैसा कि आपने सर के लिए खुद सुना है एड्रेस, और जो भी फॉर्मेलिटीज है वो आप ऑफिस में आके कर सकते हैं, सर से मिल भी सकते हैं, जैसे कि सर ने टाइमिंग बताया है तो आके मिल सकते हैं। तो सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, काइंडली थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा, आप भी बहुत इम्प्रूव किए हो, और मैं चाहूंगा कि आपका चैनल जो है वो बहुत ग्रोथ करे और बच्चों में इसका ये रहे, और आप एक नेक काम कर रहे हो कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, और जो भी आप इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज के लिए दे रहे हो वो अच्छा है। मैंने आपका वीडियोज देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और समय कम रहता है बट मैं आप सब पे भी ध्यान रखता हूँ। तो मेन बात यह है कि मैं सर का खुद स्टूडेंट हूँ, जो कि इस पहली बार मैं सर के सामने बैठ के ऐसे इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं सर का खुद स्टूडेंट हूँ जो कि इस बैच से हूँ अभी, मतलब ये बैच जो खत्म होगा उस बैच से। तो काफी अच्छा लग रहा है सर के सामने बैठ के, सर से ही क्वेश्चन कर रहा हूँ सर के बराबरी में बैठ के, तो काफी प्राउड फील भी हो रहा है। अब सर से सुनते हैं कि मतलब सर को कैसा लग रहा है कि स्टूडेंट उनके सामने बैठा हुआ है और खुद उनसे क्वेश्चन कर रहा है। आज तक ऐसा मैंने कभी नहीं किया था, लेकिन आज मौका मिला है तो काफी अच्छा लग रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज है हेजिटेशन, हमने अपने बच्चों को इतना कैपेबल जरूर बनाया है कि उसके अंदर जो हेजिटेशन नहीं है, आज वो हेजिटेशन खत्म नहीं हुआ है कि आप मेरे सामने बैठे हो और मुझसे क्वेश्चन करें। अगर हेजिटेशन आप में होता तो आप नहीं करते। आजकल बच्चे जो है माता पिता बोल देते हैं कि ये पढ़ाई करो वो पढ़ाई करो, तो वो बच्चे उसी तरह से चुपचाप सुन करके चले जाते हैं, उनसे कुछ बोल भी नहीं पाते, उनके मन में कुछ रहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आप उनके बातों को पूरा कट ही कर दो, वो डिसिप्लिन में नहीं आएगा, लेकिन माता पिता अगर कोई सुझाव देते हैं और आपके अंदर कोई सुझाव है तो आप उन्हें दे सकते हो और बोल भी सकते हो कि मैं इस टॉपिक में और इस चीज में अच्छा कर सकता हूँ। तो इसलिए हेजिटेशन कम होना बहुत जरूरी है, और आप में लगभग लगभग मैं कहूँगा कि 80% हेजिटेशन जो है वो रिमूव हो गया है, अब 20% है जो मेरे बाद वाले भी शिक्षक आप पे काम करेंगे और आपको अच्छा कराएंगे। थैंक यू।